हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जलजीरा। पर जलजीरे का पाउडर हम घर पर ही बनाएंगे और इसको बनाना बेहद ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए हमें जीरा, यानी जलजीरे में सबसे मेन होता है जीरा। तो जीरा हम सबसे ज़्यादा लेंगे, तो ये एक मैंने छोटी कटोरी ले लिया है। फिर उसके बाद 8 से 10 हम इसके अंदर काली मिर्ची डाल देंगे, 5 लौंग डाल देंगे और आधा टी स्पून इसके अंदर सौंफ डाल देंगे, जिससे कि ठंडा ठंडा फ्लेवर आए। और इसको बिल्कुल हमें लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है, यानी जलाना नहीं है, बिल्कुल रोस्ट कर लेना है, जिसके अंदर से इसके अंदर थोड़ी थोड़ी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद सभी मसालों को मैंने जार के अंदर डालकर पीस लिया है। तब इसके अंदर हम डालेंगे, यानी मसाले, जो पिसे हुए मसाले आते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हम हींग। तो हींग ये मैंने आधी छोटी चम्मच ली है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच अमचूर पाउडर, जिससे कि इसके अंदर खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद डाल देंगे हम आधी चम्मच सौंठ का पाउडर। फिर उसके बाद डाल देंगे आधी चम्मच काला नमक और आधी चम्मच ये सफ़ेद नमक, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। अब वापस से इसका हम ढक्कन बंद कर लेंगे और एक बार हम इसको फिर से पीस लेंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब बनाते हैं जलजीरा। तो सबसे पहले ले लेंगे हम ग्लास। तो ग्लास के अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के ये जलजीरे का पाउडर। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पुदीने के पत्ते कुछ, यानी जिससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे लेमन के टुकड़े। फिर थोड़ा सा डाल देंगे हम इसके अंदर लेमन जूस और फिर एकदम ठंडा ठंडा पानी डालेंगे, क्योंकि जलजीरा तो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। तो इसको इस तरीके से हम भर देंगे, पर आधा छोड़ देंगे हम। और पहले कर लेंगे हम इसको मिक्स। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आइस क्यूब और फिर ऊपर से डाल देंगे हम बूंदी। अगर आप डालना चाहें तो डालें, पर जलजीरा जब पिएंगे और ये करारी करारी बूंदी हमारे मुंह में आएगी तो उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और काफ़ी टेस्टी लगेगा। ये बूंदी वो है जो हम रायते में यूज़ करते हैं। तो हमारा टेस्टी सा यम्मी सा जलजीरा बनकर तैयार है और आप इसको स्टोर कर कर भी रख सकते हैं 2 से 3 महीने तक। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।